नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाले मैच नंबर 26 को लेके, जो कि आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब है जिससे कि थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर चीज़ पे आपको एक अच्छे से अच्छा क्लेरिफिकेशन दे सकूं, हर प्लेयर पे आपको अच्छे से अच्छा क्लेरिफिकेशन दे सकूं। और यही आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप लोग बाकी वीडियोस को देते हैं। देखिए, हम लोग इस वीडियो में है वो दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं ना, उसके जो भी स्टेट्स हैं जो कि आपकी मदद करेंगे टीम बनाने में, उनको लेकर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको क्रेडिट्स का इश्यू होगा तो आप लोग क्रेडिट्स को कैसे मेंटेन करेंगे, बिकॉज सभी आपको हाई क्रेडिट्स के प्लेयर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग क्रेडिट्स को कैसे मेंटेन करेंगे या फिर आप लोग किस प्लेयर पे रिस्क लेंगे, कौन सी कंडीशन पे लेंगे, वो सारी चीजें आगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी सेकंड स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं और आप लोग बहुत पीछे हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 1,48,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको माई शोर 11 एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जो कि एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। जी हां, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जहां पे आप केवल 2 बैट्समैन और 2 बॉलर्स के साथ भी फैंटेसी खेल सकते हैं। यहाँ पे गाइस आपको एक यूनिक कंसेप्ट मिलता है कि आप लोग सेकंड इनिंग्स भी खेल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग फर्स्ट इनिंग्स में लोस में चल रहे हो, देन आप लोग सेकंड इनिंग्स में अपना लोस कवर कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए आप लोग myshore11.com पे जा सकते हो, या फिर जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो इंपोर्टेंट स्टेट्स है उनको लेकर, फिर मैं आपको डायरेक्ट ड्रीम 11 पे लेके चलूंगा, जहां पे हम लोग प्लेयर वाइज डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस पे रिस्क लेंगे और किस कंडीशन पे लेंगे। अब देखिए, हम लोग यहां से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच को लेकर डिस्कस करें, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि फाइनल अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। 1,48,000 से ज्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल पे यूजर्स हो चुके हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। बिकॉज अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं और बाकी लोगों से बहुत पीछे भी हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। वेन्यू रहेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जी हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और शायद इस सेशन का ये 4th मैच होगा। पिच को लेकर बात करें तो यहां से न्यूट्रल पिच है। जी हाँ, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच है वो न्यूट्रल पिच है, बैट्समैन को लिए भी सपोर्टेड है और बॉलर्स के लिए भी सपोर्टेड है। कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहां पे बॉलर्स बैट्समैन को डोमिनेट करते हैं और कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहां पे बैट्समैन बॉलर्स को डोमिनेट करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि लगातार बैटिंग फ्रेंडली मैचेस होते जा रहे हैं। और अभी तक 3 मैचेस हमने देखे हैं, तीनों ही इस तरीके से नहीं हुए हैं। यहां से देखिए, यहाँ पे जो स्पिनर्स है ना उनको थोड़ा सा टर्न मिल सकता है, जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा यहाँ पे टर्न मिल सकता है और अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। तो जो वॉशिंगटन सुंदर टाइप स्पिनर है ना, जिनको अच्छा बाउंस यहाँ पे मिले, वो शायद प्रॉब्लम कर सकते हैं। सॉरी, जो बाएं हाथ के बैट्समैन है ना, जैसे कि निकोलस पूरन हो गए उनके लिए, क्रिस गेल के लिए, और मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट भी रहेंगे इनके सामने वॉशिंगटन सुंदर। साथ ही साथ यहाँ पे ड्यू है, सेकेंड इनिंग्स में आपको ड्यू देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो भी टीम पहले टॉस विन करेगा वो बॉलिंग करने का फैसला ही लेगा, बिकॉज बाद में बॉलिंग करना थोड़ा सा बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जो बॉल है वो फिसलने लगती है, गीली होने लगती है ड्यू की वजह से। साथ ही साथ जो स्क्वेयर की बाउंड्री, जरा सामने की बाउंड्री जहां की 70 मीटर की है, जी सामने की जो स्ट्रेट की बाउंड्री है वो 70 मीटर की है, लेकिन जो स्क्वायर की बाउंड्री जरा, स्क्वायर समझ रहे हो, स्क्वायर की जो बाउंड्री जरा, जैसे ये स्ट्रेट हो गया तो ये स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर की बाउंड्री यहां पे 60 से 65 मीटर है, तो काफी छोटी बाउंड्रीज है स्क्वायर की। और जो भी, जो मान लीजिए कि विराट कोहली टाइप या फिर मैक्सवेल टाइप जो भी बैट्समैन होगा ना, वो इसी एरिया को टारगेट करेगा। जी हाँ, तो रन्स बनने के काफी चांसेस बनते हैं छोटी बाउंड्रीज होने के कारण, और स्पिनर्स के लिए वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें कर सकते हैं, जो यहाँ की बाउंड्रीज है ना वो थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। आई होप आप लोग पिच के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे स्कोरिंग नंबर के बारे में बात करें तो 150 से नीचे का स्कोर 5 टाइम्स बना है,
ये मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं, स्कोर बिटवीन 150 टू 169 तीन टाइम्स बना है, स्कोर बिटवीन 170 टू 189 तीन बार बना है, स्कोर अबव 190 है जो कि दो बार बना है। फर्स्ट इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर रहता है वो 163 का रहता है। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो यहां पर आपको 10 से 11 पिचेस देखने को मिलेगी अहमदाबाद में, जो 5-6 पिचेस है वो रेड सोइल से बना हुआ है और जो 5 पिचेस है वो ब्लैक सोइल से बना हुआ है। तो ये आपको कब पता चलेगा कि ब्लैक सोइल पे मैच होगा या फिर रेड सोइल वाले पिच में मैच होगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको आपको अपडेट करूंगा टॉस होने के बाद जब करंट पिच रिपोर्ट आती है। तो टेलीग्राम पे जरूर जाके ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब देखिए, इसी साल जो 5 मैचेस खेले गए थे इंडिया और इंग्लैंड के बीच, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे देखिए 5 मैचेस हुए थे जहां पे है वो 2-3 मैचेस है वो लो स्कोरिंग हुए थे, 2 मैचेस है वो एवरेज स्कोर आता 150-160 के बीच का, और एक मैच था, 2 मैच थे जहां पर 180 प्लस टारगेट गया था। और इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, स्पिनर्स को भी, सॉरी यहां पे स्पिनर्स नहीं, बॉलर्स को भी मदद मिल सकती है। और जब हमने इन मैचेस को देखा तो इन मैचेस को देखने के बाद यहां से आप जो फास्टर्स है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डोमिनेट करते हैं कंपैरिजन टू स्पिनर्स। उसके बाद अभी जो रिसेंट के मैचेस खेले गए हैं, जी हां 3 मैचेस खेले जा चुके हैं। अब तीनों मैचेस को देखिए, पंजाब भी यहां पे खेल चुका है और आरसीबी भी यहां पे खेल चुका है। अब देखिए, जो पंजाब पहला मैच खेली थी वो मुझे लगता है कि वो अच्छी तरीके से पिच को रीड नहीं कर पाए, या फिर पंजाब की जो बैटिंग लाइनअप है ना वो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो यहां पे पंजाब है वो कुछ खास नहीं कर पाई थी, 123 रन पे 9 विकेट, केकेआर ने टारगेट को चेस किया और चेस करना भी उतना आसान नहीं हुआ, लेकिन बाद में थोड़ी सी ड्यू देखने को मिली जिसकी वजह से केकेआर के लिए बैटिंग करना काफी आसान हो गया था। उसके बाद मैच में यहां पे 14 विकेट्स गिरी, 9 फास्टर्स को, 4 स्पिनर्स को, 1 रन आउट हुआ। सेकंड मैच आरसीबी ने 171 किए, लेकिन इसमें मेन जो रोल था वो था एबी डिविलियर्स का, क्योंकि आरसीबी के भी शुरुआत में जल्दी विकेट्स गिर गए थे। तो यहां पे 5 विकेट पे 171 बनाए। डीसी ने है वो लगभग टारगेट चेस कर लिया था, लेकिन इनके भी शुरुआत में जल्दी विकेट्स गिरे। ये आपको तीनों मैचेस में देखने को मिला होगा कि पीबीएक्स पंजाब खेल रही थी तभी भी जल्दी विकेट्स गिरे दोनों टीम के, जब आरसीबी दिल्ली खेला तो भी शुरुआत में जल्दी विकेट्स गिरे। मैच नंबर 3 यहां पे केकेआर ने 154 किए कल ही रात, जी हां कल ही रात 154 किए थे 6 विकेट पर, और इनके भी शुरुआत में जल्दी विकेट्स गिरे। त्रिपाठी, नीतीश राणा या फिर ऑयन मॉर्गन कह लीजिए, सुनील नारायण कह लीजिए, तो इनके भी शुरुआत में जल्दी विकेट्स गिरे। यहां पे दिल्ली कैपिटल्स 156 पे थी, इन्होंने है वो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया बैटिंग की। यहां पे है वो जो 6 इनिंग्स हुई है ना, 6 इनिंग्स में केवल एक मैच ऐसा हुआ है, सॉरी एक इनिंग्स ऐसी रही कल रात की जहां पे पावर प्ले में विकेट्स नहीं गिरी, अदरवाइज है वो काफी ज्यादा विकेट्स गिर रही है 10 ओवर के अंदर में, अंतराल में है वो 3-4 विकेट गिर रही है इस मैदान पे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूं ताकि आप जब टीम बनाए तो आपके माइंड में ये चीज रहे कि आखिर पिच करेगा क्या, किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। उसके बाद हेड टू हेड मैचेस के बारे में बात करते हैं। देखिए लास्ट सीजन है वो पीबीएक्स ने बैटिंग करते हुए 206 किए 3 विकेट पर और आरसीबी इस टारगेट को चेस नहीं कर पाया। केएल राहुल 132, रवि बिश्नोई को 3 विकेट, मुर्गन अश्विन को 3 विकेट, आरसीबी की तरफ से किसी भी प्लेयर का कोई रोल नहीं था, ना किसी को 2 विकेट्स मिले या फिर ना ही किसी ने 30 प्लस रन्स किए थे। उसके बाद मैच नंबर 2 आरसीबी ने 171 किए और पंजाब ने 177 किए, यानी कि दोनों मैचेस में आरसीबी ने, सॉरी पंजाब किंग्स ने है वो आरसीबी को बीट किया। यहां पे भी क्रिस केएल राहुल ने 61, मयंक अग्रवाल ने 45, क्रिस गेल ने 53, मोहम्मद शामी 2 विकेट और मुर्गन अश्विन 2 विकेट, यानी कि मुर्गन अश्विन ने लगातार कंसिस्टेंट दोनों मैच में परफॉर्मेंस की और केएल राहुल ने भी यहां पे दोनों मैच में हाफ सेंचुरी की, एक में सेंचुरी 125 से ऊपर किया और एक में हाफ सेंचुरी की। तो केएल राहुल मुझे लगता है कि काफी बढ़िया एवरेज भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखिए आरसीबी की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है ना वो कुछ इस तरीके से रहेगी। अब सॉरी यहां पे स्कॉट कुगलाइन है जो कि स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं, केन रिचर्डसन के जाने के बाद स्क्वाड कुगलाइन को है वो स्क्वाड में शामिल किया गया है। अब वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं ये आपको टेलीग्राम पे है वो टॉस के बाद अपडेट मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। लास्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर्स डाले, 1 विकेट मिला। यूजी चहल को कंप्लीट ओवर्स नहीं मिल रहे हैं और मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, तो आप लोग छोड़ के चल सकते हैं। हर्षल पटेल 4 ओवर्स 2 विकेट, कायली जेमिसन 4 ओवर्स 1 विकेट, डैनियल सैम्स 2 ओवर्स 0 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर्स 0 विकेट निकाले। यहां पे मुझे लगता है कि डैनियल सैम्स और युजवेंद्र चहल के वंस अगेन आपको ओवर्स कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो वाशिंगटन सुंदर है मुझे लगता है कि वो कंप्लीट ओवर्स डालेंगे, फिर चाहे वो डेविड मलान खेले निकोलस पुरन की जगह या क्रिस गेल है, तो उनके बाएं हाथ के सामने उनकी बॉलिंग बनती है वो मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखिए
पंजाब की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरीके की रह सकती है। अब इसमें है वो चेंजेस हो सकते हैं कि निकोलस पूरन की जगह डेविड मलान है जो कि आ सकते हैं, या फिर यहां से मॉइजेस हेनरिकस की जगह है वो डेविड मलान आ सकते हैं। जहां तक पॉसिबल होगा मुझे लगता है कि मॉइजेस हेनरिकस की जगह ही लेना चाहिए, क्योंकि ना तो वो प्रॉपर बॉलर है ना वो प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां पे डेविड मलान आने चाहिए। बस उनका जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो थोड़ा सा फिर डाउटफुल रहेगा कि वो कितने नंबर पे बैटिंग करेंगे। वो वन डाउन खेलते हैं, वहां पे क्रिस गेल है और चार नंबर पे मुझे लगता है चार नंबर पे ही उनको चांस मिलेगा अगर खेलते हैं। अगर कोई चेंजेस होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाएंगे। लास्ट मैच का जो बॉलिंग स्टेट्स रहा, अर्शदीप सिंह 2 ओवर्स में 1 विकेट, मोहम्मद शामी 4 ओवर्स में 1 विकेट, रवि बिश्नोई 4 ओवर्स 0 विकेट, क्रिस जॉर्डन 3 ओवर्स 24 रन 0 विकेट, मॉरिजस हेनरिकस 1 ओवर्स 1 विकेट और दीपक हुड्डा ने 2 ओवर्स डाली और 1 विकेट मिली। अब देखिए हेड टू हेड रिकॉर्ड, यानी कि जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती है तो कौन से प्लेयर का क्या एवरेज रहता है या फिर किसने कितने विकेट्स निकाले हैं। यहाँ पे मयंक अग्रवाल का देखिए 23 का एवरेज है तो कुछ खास मुझे लगा नहीं। क्रिस गेल का 64 का एवरेज है भाई साहब आरसीबी के अगेंस्ट पंजाब से खेलते हुए। केएल राहुल का 80 का एवरेज है और यही चीज मैं आपको क्लियर कर रहा था कि आरसीबी को, वैसे केएल राहुल का है वो सभी टीमों के अगेंस्ट है वो काफी बढ़िया ही एवरेज है, आईपीएल में बहुत अच्छा खेलते हैं। निकोलस पूरन 23 का, एबी डिविलियर्स का 53 का, विराट कोहली का कुछ खास नहीं है 30 से नीचे का एवरेज आ रहा है 29 का। उसके अलावा देवदत्त पाडिकल है जिनका 9 का एवरेज है, 2 मैच खेले हैं वो भी लास्ट सीजन जहां पे 19 रन बनाए और 9 का इनका एवरेज है, लेकिन अभी लास्ट सीजन काफी बढ़िया खेले और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बैट्समैन है और आपको लेना चाहिए। मुर्गन अश्विन 4 मैच 6 विकेट, रवि बिश्नोई 2 मैच 3 विकेट, यहां से क्रिस जॉर्डन 1 मैच 1 विकेट, मोहम्मद शामी 4 मैच 5 विकेट, मोहम्मद सिराज 3 मैच 2 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर 4 मैच 2 विकेट, युजी चहल 14 मैच 21 विकेट और हर्षल पटेल 4 मैच 6 विकेट। यानी कि जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट आती है तो ये इनकी परफॉर्मेंस रहती है, इसका आप लोग नोटिस कर सकते हैं। प्लेयर्स बैटल में देखिए विराट कोहली टू मोहम्मद शामी, 44 बॉल फेस किया विराट कोहली ने मोहम्मद शामी की, केवल 31 रन्स किए, वो 4 मरतबा आउट हुए हैं, तो यार थोड़ा सा मोहम्मद शामी से डर रहेगा विराट कोहली को, यानी कि विराट कोहली को काफी परेशान करते हैं, 4 बार आउट किया है 44 बॉल में। रवि बिश्नोई ने 1 भी बार आउट नहीं किया और क्रिस जॉर्डन ने है वो यहाँ पे 2 बार आउट किया हुआ है और ये शायद T20 का नहीं है, ये ODI का है, T20 में ज्यादा इनका मैचअप्स है नहीं और मुझे लगता है ये शायद ODI का है, T20 का है, ODI है वो ग्लेन मैक्सवेल टू मोहम्मद शामी है। अब ग्लेन मैक्सवेल टू क्रिस जॉर्डन 3 बार आउट किया हुआ है, जी हाँ क्रिस जॉर्डन ने ग्लेन मैक्सवेल को 3 मरतबा आउट किया हुआ है, मोहम्मद शामी ने ग्लेन मैक्सवेल को 3 मरतबा आउट किया हुआ है और ये ODI में है, जी हाँ ODI में इन्होंने आउट किया हुआ है, T20 में इनके बीच ज्यादा मैचअप्स है नहीं। मॉइजेस हेनरिकस ने भी 1 बार ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया हुआ है। एबी डिविलियर्स टू मॉइजेस हेनरिकस 1 बार आउट किया हुआ है, मोहम्मद शामी ने 1 बार, क्रिस जॉर्डन ने 1 बार आउट किया हुआ है। केएल राहुल टू मोहम्मद सिराज 1 भी बार आउट नहीं किया है लेकिन 7 बॉल में 21 रन, युजी चहल ने 1 बार आउट किया हुआ है और वॉशिंगटन सुंदर ने भी यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 बार आउट किया हुआ है केएल राहुल को। क्रिस गेल टू मोहम्मद सिराज 1 भी बार आउट नहीं किया, युजी चहल ने 1 भी बार आउट नहीं किया, वॉशिंगटन सुंदर ने भी 1 भी बार आउट नहीं किया, यानी कि क्रिस गेल ने आरसीबी के अगेंस्ट काफी बढ़िया बैटिंग की है, यहाँ पे किसी भी बॉलर्स ने है वो अभी तक आउट नहीं किया है। निकोलस पूरन टू युजी चहल 1 भी बार आउट नहीं किया, डैनियल सम्स ने 1 बार आउट किया और ये बिग बैस का है, शायद बिग बैस में आउट किया हुआ है, वॉशिंगटन सुंदर ने 1 भी बार आउट नहीं किया हुआ है। तो ये प्लेयर्स बैटल है, आई होप आपको ये स्टेट समझ में आए होंगे और आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको कहां पे रिस्क लेना है। अब चलिए मैं आपको ड्रीम 11 पे लेके चलता हूं जहां पे हम लोग प्लेयर वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले विकेट कीपर में देखिए यहां से दोनों ही प्लेयर काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं स्मॉल लीग के लिए, एबी डिविलियर्स है और केएल राहुल है। अब यहां से मैं केएल राहुल के साथ जा रहा हूं। अब अगर आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करे ना तो फिर एबी डिविलियर्स को आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आरसीबी की टीम टारगेट को चेस करे यानी कि पंजाब की टीम पहले बैटिंग करे तो फिर आप लोग एबी डिविलियर्स पे रिस्क ले सकते हैं। यहां से अगर निकोलस पूरन अगर डेविड मलान खेलते हैं तो शायद इनको मौका ना मिले और हमें डेविड मलान के साथ जाना है, लेकिन अगर निकोलस पूरन खेलते हैं तो फिर आप लोग दीपक हुड्डा और निकोलस पूरन में है वो थोड़ा सा चांस लेना चाहे तो निकोलस पूरन और अगर सेफ जाना चाहे तो आपके लिए दीपक हुड्डा रहेंगे।
बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली को काफी लोग छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन मैं यहां से विराट कोहली के साथ जा रहा हूं, ग्लेन मैक्सवेल के साथ जा रहा हूं, क्रिस गेल के साथ जा रहा हूं, मयंक अग्रवाल और देवदत्त पाडिकल, यानी कि टॉप फाइव है ना ऊपर, मैं इन सभी को है वो स्मॉल लीग में पिक कर रहा हूं। थोड़ा सा आपको क्रेडिट का इशू जरूर होगा, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आरसीबी की टीम सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हैं ना, तो फिर हम लोग एबी डिविलियर्स को छोड़ सकते हैं और वहां पर हमारे लिए चांस बनता है कि हम मेन प्लेयर्स को ले सकेंगे और जिस बॉलर को लेना चाहते हैं उसको भी ले सकेंगे यहां से। उसके अलावा यहां से मुझे लगता है शाहरुख खान सरफराज खान है पाटीदार, तो यहां से अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम है वो बाद में बैटिंग करे तो फिर हमें है वो आर पाटीदार यानी पाटीदार के साथ भी जाना पड़ेगा, बिकॉज आई होप कि 150 रन बनते हैं तो ऊपर के जो चार टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है ना वही 120 रन है वो बना दे, जिससे कि एबी डिविलियर्स को ज्यादा बैटिंग का मौका ना मिले और ये पॉसिबल हो सकता है। यहां से नीचे से कोई मुझे लगता है खेलेगा नहीं, शाहरुख खान है जिनको अगर एज ए डिफरेंशियल आप लोग जाना चाहे तो शाहरुख खान को लेके जा सकते हैं। ऑलराउंडर में मैं यहां पे है वो एक बार के लिए दीपक हुड्डा के साथ ही जा रहा हूं, बाकी देखिए यहां से वॉशिंगटन सुंदर है तो वॉशिंगटन सुंदर को लेंगे तो यहां से आपके लिए एक क्रेडिट 0.5 क्रेडिट कम हो जाएंगे और आप एक मैन बॉलर्स को है वो ले सकेंगे, तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहे। इसके अलावा डैनियल सैम्स है तो मुझे लगता है कि शायद बैटिंग का उतना चांस ना मिले और थोड़े से ओवर्स भी कंप्लीट नहीं करवाए जा रहे हैं डैनियल सैम से। बिग बैस में ये मैन बॉलर्स होते हैं, मैन प्लेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आईपीएल में आने के बाद इनकी थोड़ी सी रेपुटेशन घट जाती है, क्योंकि आईपीएल एक अलग लेवल की लीग है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बॉलिंग सेक्शन में अगर मोहम्मद शामी, अगर पंजाब पहले बॉलिंग करे तो मोहम्मद शामी, और अगर यहां से आरसीबी पहले बॉलिंग करे तो यहां से हर्षल पटेल में आपको सजेस्ट करूंगा। उसके अलावा क्रिस जॉर्डन के साथ मैं यहां से जा रहा हूं, काइली जेमिसन आपके लिए यहां से बढ़िया पिक हो सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज को मैं यहां से ले रहा हूं, जी हां मोहम्मद सिराज डेथ में भी अगर आरसीबी की टीम पहले बॉलिंग करती है ना तो लास्ट में भी एक दो ओवर्स डालते हैं और शुरुआत में भी एक दो ओवर्स डालते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। उसके अलावा अर्शदीप सिंह है, रवि बिश्नोई है, रवि बिश्नोई का सिलेक्शन काफी कम हो गया है, लास्ट दो मैचेस में विकेट नहीं मिली है, बाकी यहां से मुझे लगता है कि कोई खेलेगा नहीं, तो इस तरीके से आप लोग टीम बना सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी को लेकर बात करते हैं, तो यहां से देखिए आपके लिए जो सेफ कैप्टन रहेंगे वो रहेंगे केएल राहुल, जिनका सिलेक्शन है वो 27% लोगों ने कैप्टन रखा है। यहां से मैं क्या करता हूं, विराट कोहली को एक बार के लिए कैप्टन बना रहा हूं और वाइस कैप्टन है जो कि केएल राहुल को रख रहा हूं, जी हां वाइस कैप्टन केएल राहुल और कैप्टन है वो विराट कोहली। वाइस कैप्टनसी के लिए यहां से आपके लिए क्रिस गेल भी एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं एज ए वाइस कैप्टन, जी हां कैप्टन नहीं वाइस कैप्टन क्रिस गेल, और यहां से मैं वो देवदत्त पाडिकल दो ही आपको सजेस्ट करूंगा इनसे ऊपर, जी हां। अब देखिए टीम का प्रव्यू आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा रहेगा, आप जो लोग डायरेक्ट यहाँ पे टीम देखने के लिए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि टीम को कॉपी करने से पहले वीडियो के अंदर जाइए और जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है उनको समझिए कि कौन सी कंडीशन में ये टीमें बनेगी और किस प्लेयर को आप लोग वापस छोड़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।